हेलो बच्चों, आज हम मिशन शिक्षण संवाद द्वारा संचालित दैनिक कार्यपत्रक में पाठ्य क्रमांक 8 अपवर्ती और अपवर्तक के बारे में समझेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अपवर्तक क्या होते हैं। किसी संख्या के अपवर्तक का तात्पर्य है उस संख्या का पहाड़ा, यानी पहाड़े तो हम सबको आते हैं। जैसे दो के अगर हमें अपवर्तक निकालने तो हम दो एकम दो, दो दुनी चार, दो तिया छः, दो चौ आठ, ये सारे दो चार छः व आठ क्या है, दो के अपवर्तक हैं। किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या को किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर मिलता है, यानी किसी भी संख्या का हमें अपवर्तक निकालना है तो हमने जैसे यहाँ दो एकम दो तो हमने किससे गुणा करी, इसकी दो की, पहले हमने किसी के दो एकम दो एक से करी, फिर हमने दो दुनी चार दो से करी। इस तरह से किसी भी संख्या का अपवर्तक उस संख्या को किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर मिलता है। प्रत्येक संख्या एक की अपवर्तक होती है, जैसे दो है तो एक गुणा दो, तीन एक गुणा तीन। प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है, यानी हर संख्या अपने की अपवर्तक होती है। अब हम इसमें नीचे जो प्रश्न दिए हैं उन्हें हल करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है, देखो समझो और खाली जगह भरते हुए अपवर्तक ज्ञात करें, हमें अपवर्तक निकालने हैं। तो पहली संख्या है दो, दो के अपवर्तक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो का एक से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, दो एकम दो। फिर हम करेंगे दो से, दो दुनी चार, तीसरे में दो तिया छः, तो दो के अपवर्तक संख्या कौन सी होगी, दो चार छः। अगले में हमें तीन की अपवर्तक निकालनी है तो तीन को एक से कर लेंगे, तीन एक कम तीन, तीन दुनी छः, तीन तिया नौ, यानी तीन छः और नौ क्या हो गई, तीन की अपवर्तक संख्याएँ। चार की अपवर्तक निकालनी है तो चाहे आप एक दो तीन से कर दीजिए, चाहे अगले कर दीजिए। जैसे चार को हमने चार से कर दिया, चार चौक सोलह, चार पंजे बीस, चार छिंग चौबीस, यानी सोलह बीस चौबीस क्या हो गए, चार की अपवर्तक संख्याएं हैं। इस तरह से हम किसी भी संख्या की अपवर्तक संख्या निकाल सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर आएंगे। अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है हमें, सारणी देखकर दी गई संख्याओं के अपवर्तक लिखो। जो हमें नीचे संख्याएं दी हैं उनके हमें अपवर्तक ढूंढने हैं। तो हम सारणी देखेंगे। सारणी में सबसे पहले हमें किसके अपवर्तक निकालने हैं, चार के। तो चार के अपवर्तक होंगे, चार का पहाड़ा नहीं, चार एकम चार, चार दुनी आठ, चार तिया बारह, चार चौक सोलह, चार पंजे बीस, चार छिंग चौबीस, चार सत्ते अट्ठाईस, चार निम छत्तीस, चार धाम चालीस, चार अट्ठे बत्तीस भी रह गए इसमें, चार धाम चालीस। फिर चार को हम ग्यारह से करेंगे चवालीस, चार को बारह चौक अड़तालीस, यानी हमारे पास ये किसके अपवर्तक आ गए, चार के। अब हमें किसके निकालने हैं, अगले में छः के अपवर्तक है तो हम छः का पहाड़ा पढ़ेंगे, छः कम छः, छः दुनी बारह, छः तिया अट्ठारह, छः चौक चौबीस, छः पंजे तीस, छः छिंग छत्तीस, छः सत्ते बयालीस, छः अट्ठे अड़तालीस, तो ये किसके हो गए, छः के अपवर्तक हो गए। अब हम नौ के अपवर्तक निकालेंगे, नौ एकम नौ, नौ दुनी अट्ठारह, नौ तिया सत्ताईस, नौ चौक छत्तीस, नौ पंजे पैंतालीस, ये हमारे पास नौ के अपवर्तक आ गए। अब हमें ग्यारह तेरह और सोलह के निकालने हैं। आप इसी तरीके से सारणी को देखकर ग्यारह तेरह और सोलह के अपवर्तक निकालेंगे। अब हम अगली सारणी पे आते हैं। सारणी में हमें ये बताना है कि तीन के अपवर्तक और सात के अपवर्तक कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो जो हैं उनके आगे हाँ लिखना है और जो नहीं है उनके आगे ना। तो तीन के अपवर्तक तीन, सबसे पहले लिखा है तीन, तो तीन के अपवर्तक तो
है सात का प्रत्यय नहीं है, 12 तीन का प्रत्यय है पर सात का प्रत्यय नहीं है, 21 तीन के पहाड़े में भी आता है, 3 7 21 और 7 के पहाड़े में भी आता है, 7 3 21 यानी दोनों का ही अपवर्त्य है, 28 तीन के अपवर्त्य नहीं है, 3 के पहाड़े में 28 नहीं आता लेकिन 7 का अपवर्त्य है, 30 तीन का अपवर्त्य है 7 का नहीं है, 42 तीन से जाता है अगर और 7 7 42, अब 49 तीन का अपवर्त्य नहीं है जबकि 7 का पड़ती है। इस तरह से हमें ये सारणी भी पूरी करनी थी। अब आप इन प्रश्नों को अपनी कार्यपुस्तिका में हल करेंगे और इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।